गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा इस बार काफी ज्यादा अहम और खास रहने वाला है। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गृह मंत्री की खास बातचीत होगी, बैठक में शामिल होंगे। लेकिन इस बार का बिहार दौरा गृह मंत्री के आने से क्या कुछ अहम रहेगा? नीतीश कुमार के सामने गृह मंत्री आएंगे और आमने सामने बात करेंगे। जितने गिले शिकवे हैं वो सामने आ जाएंगे और एक दूसरे से खुलकर बातचीत होगी। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली। 5 में से मात्र 1 राज्य में कांग्रेस की सरकार बन पाई, 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अवसर ढूंढने लगे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फिर से प्रधानमंत्री की दावेदारी के सवाल सामने आ गए हैं और जितने भी जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो सामने आकर कहने लगे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में तो वो सारी काबिलियत है, वो देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी ये मांग उठा रही है कि पहले आप बिहार में कैबिनेट विस्तार तो कीजिए, उसके बाद हम आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भी करेंगे और सीट शेयरिंग भी करेंगे। जहाँ एक तरफ जेडीयू आमने सामने हो रही है कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी जेडीयू को करारा जवाब दे रही है और दिल्ली से पहले बिहार में हिस्सेदारी की मांग कर रही है। ये पूरा जो आपको राजनीतिक समीकरण बदलता नजर आ रहा है, राजनीतिक परिदृश्य बदलता नजर आ रहा है, ये केवल और केवल 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हो रहा है। बताते चले हम आपको कि कल जब गृह मंत्री अमित शाह बिहार आएंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बातचीत करेंगे। दोनों आमने सामने बैठेंगे और बैठक में शामिल होंगे और इस बात से कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात की आशंका जरूर जता रही है कि नीतीश कुमार और गृह मंत्री की ये जो बैठक है ये कहीं 2024 के चुनाव पर असर ना डाल दे। क्योंकि जहां पर तमिलनाडु में एक तरफ रेवंत रेड्डी का बयान आता है और बिहार के डीएनए पर सवाल उठा देते हैं, तो वहीं रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का मुख्यमंत्री कांग्रेस बना देती है। कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू और कांग्रेस में भिड़ंत तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन इस भिड़ंत के बीच जब गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं तो बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खास बातचीत करेंगे, बैठक में शामिल होंगे और बैठक के बाद जो नतीजा निकल कर आएगा उस नतीजे से कहीं ना कहीं पूरी इंडिया गठबंधन डरी हुई है। क्योंकि जब गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार आमने सामने होंगे तो वो तमाम बातें भी सामने आ जाएंगी जो नीतीश कुमार इतने दिन से गृह मंत्री अमित शाह से नहीं कर पाए थे, और गृह मंत्री अमित शाह भी नीतीश कुमार से वो तमाम सवाल नहीं पूछ पा रहे थे जो वो पूछना चाहते थे। दोनों आमने सामने होंगे और दोनों के सवाल जवाब का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता जाएगा। देखना बड़ा ही दिलचस्प है कि कल जब गृह मंत्री अमित शाह बिहार आते हैं तो राजनीतिक परिदृश्य में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।